मंचस्थ उपस्थित सभी मान्यवर, मंच के नीचे बैठे हुए सभी मान्यवर, छात्र संसद में एकत्रित भारत भर के छात्र बंधु भगिनी, दो शब्द है कल्चर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कल्चर ये शब्द अधूरा है, हम उसका हिंदी प्रतिशब्द या हिंदी शब्द को प्रतिशब्द इस नाते उपयोग करते हैं। हिंदी शब्द है संस्कृति और वो बहुत व्यापक है, और संविधान, संविधान बनता है और संविधान में ही व्यवस्था है कि संविधान बदल भी सकता है, लेकिन बदलने का तरीका संवैधानिक होना चाहिए, क्योंकि संविधान एक व्यवस्था है और देश काल परिस्थिति अनुसार वो बदलती है। हमको पता है दो शब्द अपने संविधान में 1976 में डाले गए, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये हो सकता है देशकाल परिस्थिति अनुरूप व्यवस्थाओं को बदलना ही होता है, नहीं बदले तो व्यवस्था एक कठिनाई बन जाती है, गले का फांस बन जाती है। लेकिन संविधान ये एक व्यवस्था है, साधन है, साधन के उपयोग का एक अनुशासन होता है, उस अनुशासन के साथ हम संविधान को साथ लेकर चलते हैं तो समाज में परिवर्तन आ सकता है, समाज की उन्नति हो सकती है। लेकिन संविधान आधार नहीं बनता, आधार बनता है समाज का स्वभाव। और बहुत आसान शब्दों में मेरा आपका अपना अपना जो स्वभाव है उसको हम स्वभाव कहते हैं, पूरे समाज का जो स्वभाव होता है उसी को हम संस्कृति कहते हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी, समाज की पीढ़ियां बदलती है, समाज का स्वभाव नहीं बदलता। अथर्ववेद में कहा गया, अनेक भाषाओं के बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी माते सहस्र धाराओं से दूध देने वाली कामधेनु के समान सबको शस्य प्रदान करो। बहुत पहले कहा गया, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु सदैव कुटुंबकम। ये उस प्राचीन समय में इतिहास को भी जो ज्ञात नहीं, ऐसे समय में अपने समाज के द्वारा कहा गया, वो अपने समाज का स्वभाव है। और देखिए संविधान की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में सबको यही आश्वासन है, भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के समय विभाजन भी हुआ। जिनको ये लगता था कि हम भारत नहीं है, हम हिंदुस्तान नहीं है, उन्होंने अपना अलग देश बनाया, ठीक है, भारत का संविधान बना। भारत के संविधान में किसी को नकारा नहीं है, सबको स्वीकारा है। दुनिया सहन करती है, टॉलरेंस, हमारे यहां सहन नहीं करते, स्वीकार करते, एक्सेप्टेंस। वेदों के समय जो स्वभाव था, कितनी लाखों पीढ़ियां गई, आज के पीढ़ी ने संविधान बनाया, आज के यानी उस समय के, उस पीढ़ी ने संविधान बनाया, सर्वसहमति से बनाया। छोटी छोटी बातों पर किसी का भिन्न मत है तो चार चार पांच पांच लोगों ने जाकर चर्चा की, समझाया, तब भी एकमत नहीं हुआ, तब सभा में चर्चा हुई
और जो सहमति बनी वो संविधान बना। ऐसा हमारा सर्वसहमत संविधान भी वही कहता है जो उस समय की पीढ़ियां कह रही थी, वो हमारा आधार है। हमारे संविधान की प्रस्तावना वो उस आधार को व्यक्त करती है। भारत का संविधान ऐसा बना क्योंकि भारत का स्वभाव ऐसा है। पाकिस्तान का संविधान कहते हैं कि जिना साहब ने यह कहा था कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब नए पाकिस्तान में सब पंथ संप्रदायों के लोगों को समान रूप से अधिकार अवसर जीने का मिलेगा। कहा होगा संविधान में क्या था मुझे पता नहीं, मैंने पाकिस्तान का संविधान उसका अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हमको सबको ये पता है कि वो चला नहीं। अगर ऐसा होगा तो चल नहीं सका, आगे चल के वो एक पंथ संप्रदाय पर आधारित संविधान बन गया। क्यों? क्योंकि जिस बात को, जिस स्वभाव को आधार बनाकर पाकिस्तान बना, उस स्वभाव में ये स्वीकार मनोवृत्ति नहीं थी, सहिष्णुता भी नहीं थी। तो आखिर व्यवस्था भी चलती है वो स्वभाव के आधार पर चलती है। व्यवस्था के कारण स्वभाव नहीं बनता, स्वभाव के कारण व्यवस्था पैदा होती है। और इसलिए हमारा ध्यान देने का पहला बिंदु है हमारा स्वभाव बना रहे। हर समय नया होता है, ये भी समय हमारे लिए नया समय, उसके नए प्रश्न हैं, नई चुनौतियां हैं, इसके उत्तर हमको देने हैं। हमारा उत्तर हमारे स्वभाव के अनुसार होना चाहिए। और हमारा स्वभाव क्या है? वो केवल हमारा स्वभाव नहीं है, उस स्वभाव को हमने बहुत परिश्रम करके सत्यानुलक्षी स्वभाव बनाया है। आध्यात्मिकता, ये वो सत्य है, स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का बहुत दो शब्दों में व्याख्या आपको बताई, वन इन ऑल, दिखता ऑल, सो मेनी डाइवर्सिटीज। सत्य है क्योंकि अनुभव होता है, देखते हैं हम, अलग भाषा, अलग वेश, अलग खान पान, रीति रिवाज, अलग देवी देवता संप्रदाय, सब कुछ अलग अलग, लेकिन ये सब अलग एक ही का रूप है। और इसलिए अलगता में रहकर अलगता में एकता देखो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दुनिया मानती है यूनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन यूनिफॉर्मिटी इज देयर। भारत नहीं मानता, भारत कहता है यूनिफॉर्मिटी इज नॉट नेसेसरी फॉर यूनिटी, क्योंकि सारी डाइवर्सिटी यूनिटी का इवोल्यूशन है, सारी डाइवर्सिटी यूनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए है। उस यूनिटी के अंदर अपने अपने अंदर पहले देखो और उस यूनिटी को सबके अंदर देखो, तब तुम्हारा जीवन सफल है। और इसलिए अपने संविधान की प्रस्तावना में सब बातों की स्वतंत्रता, सब बातों का अवसर दिया है। स्वतंत्रता भी दी है और समता का भी आश्वासन है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये मैंने नहीं ली, तथागत बुद्ध के विचार में से, इस मिट्टी में जो विचार है उससे मैंने उसको लिया है। और आगे उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड रियलाइजेस नाउ दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर नॉट पॉसिबल टुगेदर। इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट लिबर्टी, यू हैव टू क्रश इक्वालिटी, एंड इफ यू वॉन्ट इक्वालिटी, यू शुड रिस्ट्रिक्ट लिबर्टीज। यही दुनिया का अनुभव है। लिबर्टी एंड इक्वालिटी टुगेदर कैन ओनली थ्राइव व्हेन देयर इज फ्रेटर्निटी, बंधुता, और वो बंधुभाव यही धर्म है। और ये हमारे संस्कृति को हम देखते हैं तो संपूर्ण सत्य है। हम सब सहोदर है, भारत माता के पुत्र हैं,
हमारा देखने का एक ही दृष्टिकोण होना चाहिए। सामने वाले की भाषा अलग है, देवी देवता अलग है, सब अलग है। हम उसका उत्सव मनाएंगे, उसको स्वीकार करेंगे, वो भी हमको स्वीकार करेगा। अपनी अपनी विविधताओं को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों की विविधता का पूर्ण सम्मान स्वीकार करते हुए हम लोग साथ चलेंगे, चल सकते हैं। दुनिया को इस संदेश को देने के लिए भारत देश का प्रयोजन है। इसी को हमारे यहां सनातन धर्म कहा गया है। उस सनातन धर्म को सारी दुनिया को देने के लिए भारत का प्रयोजन है। और इसलिए इस प्रस्तावना के साथ अपने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम से एक दिशा भी बताई गई है। मुझे विश्वगुरु भारत चाहिए, अभी नहीं मिल सकता यहां पे, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। आज हम उस स्थिति में नहीं है, 10 साल के बाद आएंगे, हम कहेंगे विश्वगुरु भारत, भूलेंगे नहीं। दिशा ध्यान में रखनी है, उस दिशा में प्रयास करना है। अपने संविधान की दिशा अगर देखते हैं तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, क्या क्या होना चाहिए अपने देश का स्वरूप, जो बातें आज नहीं है। चूंकि हमारा हरेक विविधता को सम्मान स्वीकार करने का स्वभाव है, उसके बारे में चर्चा चलेगी, परस्पर विरोधी मत भी आएंगे, इस चर्चा में से हम सहमति बनाएंगे और उस दिशा में देश को आगे बढ़ाएंगे। कलम 36 से कलम 51 तक वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। हमारी आधार भूमि निश्चित है, वो हमारा स्वभाव है, हमारी संस्कृति है। खान पान के तरीके, वेशभूषा, नृत्य नाट्य, ये तो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो भी बदलते रहता है समय के अनुरूप। वेद काल में ब्रह्मचारियों की सभा होती तो आपके वेश अलग होते, उसमें आप अगर होते उस समय, तो आज आपके वेश अलग है, उससे बिगड़ता नहीं, भाव वही है, ये बदलते रहता है। उस बदल को संकट नहीं मानना चाहिए, दुख नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो परिवर्तन होता है उसका आधार एक ही चाहिए, वो हमारी संस्कृति है। कल्चर शब्द उसको पूर्णता व्यक्त नहीं कर सकता, वो हमारा स्वभाव है। परंपरा से एक सत्य को हमने जाना है, उस सत्य के आधार पर हमने अपने मूल्य निश्चित किए हैं। विविधता में एकता, एकता का साक्षात्कार जीवन लक्ष्य, त्याग संयम पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक अपने जीवन का यापन, एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में सेवा परोपकार, इस प्रकार का जीवन खड़ा करना और अपने जीवन से बाकी दुनिया को जीवन की शिक्षा देना, यह हमारा स्वभाव है। उस स्वभाव के आधार पर हमको चलना है, हमारी दिशा निश्चित है। संविधान ने दोनों बातें की है, प्रीएम्बल में हमारा आधार स्पष्ट किया है। हमारे संविधान के आज के समय के जो रक्षक माने जाते हैं, उन्होंने मुझे कहा, जो व्यक्ति आज भारत में गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन है? हमारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा कि भागवत जी, सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये दो शब्द तो 76 में आए, क्या उसके पहले हम सोशलिस्ट सेक्युलर नहीं थे? ऐसा नहीं है, हमारा संविधान हमको सेक्युलरिज्म सोशलिज्म की दीक्षा देता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का वही स्वभाव था। और इसका क्या मतलब है, 1947 के बाद हम ऐसे बने? नहीं, हमारे संविधान निर्माता इस स्वभाव के इसलिए थे कि 5000 वर्ष से अधिक पुरानी सनातन संस्कृति हमारी इन तत्वों पर ही चलती है। उनका हवाला देखे मैं कहता हूं, हमारे प्रीएम्बल में हमारे इस आधार को स्पष्ट किया गया है, संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने दिशा दी है, लेकिन उस दिशा में चलने का अनुशासन चाहिए। और वो अनुशासन कलम 51 ए में नागरिक कर्तव्यों के रूप में अपने संविधान में लिखित है।
हमको कैसे चलना है, व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहार कैसे रखना है, उसका आदेश उसमें है। संविधान में सब है। संविधान का जो लेजिस्लेटिव पार्ट है, जो व्यवस्थाएं बनाई है, विधिमंडल बनाए हैं, संसद बनाई, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, ये सारी बातें समय समय पर समीक्षा होके बदलने की व्यवस्था भी उसमें है। परंतु उस अनुशासन का पालन प्रामाणिकता से करना, इसकी आवश्यकता है। मुख्य बात है कि संविधान के आधार पर संपूर्ण दुनिया को सुख शांति और स्थैर्य देने वाला भारत निर्माण करने का पवित्र संकल्प प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से आचरण में उतारने वाला समाज चाहिए, व्यक्ति चाहिए। समाज में ऐसे व्यक्ति होंगे तो राजनीति सहित समाज के सब अंगों में वो व्यक्ति जाएंगे। तो संविधान का जो कार्यपालन है, जो निर्वहन है, प्रत्यक्ष एग्जीक्यूशन है, वो होगा। अभी किसी ने कहा कि अपना संविधान का अर्थ जैसा अपने को चाहे वैसा हर कोई लगाता है, ये प्रामाणिकता नहीं है। उस समय क्या सोचा गया था, किस भावना से सोचा गया था, उसका आज अर्थ क्या होता है, उद्देश्य था वो सफल होने के लिए, आज का लेटर कैसा चाहिए। अगर वैसा लेटर है उसको प्रामाणिकता से करना, नहीं है तो संविधान में ही लेटर वैसा बनाने की व्यवस्थाएं हैं, उनमें लग जाना। स्पिरिट पक्का रहे, कल्चर इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संस्कृति ये संविधान की आत्मा है, आधार है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्टेम्पररी फॉर्म दैट स्पिरिट टेक्स। स्पिरिट अपने आप में काम नहीं कर सकता, उसको एक रूप चाहिए। शरद जोशी नाम के एक कवि थे, उन्होंने कहा कि ओलंपिक में उस समय भारतीय टीमें बहुत हारती थी, तो उन्होंने कविता ऐसी की, ओलंपिक वो जगह है जहां भारत की टीमें हारा करती है, क्योंकि वो क्या सुवर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, अरे चांदी सोने के थोड़े से टुकड़ों के लिए स्पर्धा करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हम तो आत्मा मानने वाले लोग हैं, आत्माओं की दौड़ होती तो हमारी आत्मा उसमें हर साल गोल्ड मेडल लेती, लेकिन आत्मा दौड़ नहीं करती। आत्मा परमात्मा है, एक ही जगह है, शाश्वत है। दौड़ना है, दुनिया में दौड़ना पड़ता है, दौड़ने वाला शरीर होता है, शरीर आत्मा के प्रकाश में चलता है, ठीक चलता है।